नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसबी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करेंगे परसेंटेज का ही टाइप थ्री। तो दोस्तों आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है 176,400 है। एक कस्बे की जो जनसंख्या है दोस्तों, एक कस्बे की जनसंख्या कितना है, 176,400 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि इसमें 5% की दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 176,400, ठीक है, कह रहा था कि 5% की वृद्धि, तो 5% की वृद्धि कह रहा है लेकिन 2 वर्ष बाद बोल रहा है। तो दोस्तों 105 बटे में कितना हो जाएगा, 100, और पावर में कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष बाद, ठीक है। इसको काट दिया जाए तो 21 पाँचे और 20 पाँचे। दोस्तों फाइनली अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 176,400 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20, ठीक है। अब ये कट जाएगा 101 से 10 और ये 2 दूना 4, तो ये कट जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 441 बार में ये कट जाएगा 441 चौका 1764। और 441 और 21 में कैसे गुना करेंगे तो 441, तो दोस्तों यहाँ पर 441 में अगर हम गुना कराएंगे 441 गुने 441, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 194,481। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो कह रहा था कि पहला क्वेश्चन कि 2 वर्ष बाद बताइए क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए 2 वर्ष पूर्व जो है, 2 वर्ष पूर्व इस कस्बे की जनसंख्या क्या थी। दोस्तों पूर्व में क्या करना होगा, 176,400 जो है पूर्व कहाँ है, 2 वर्ष पूर्व, तो इस चीज़ को जो 21/20 है उसको हम पलट देंगे। तो 21/20 है तो लिखेंगे क्या, 20/21 के पावर क्या कर देंगे, 2। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करा जाए दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे तो 1764 गुने 20 बटे 21 दोस्तों गुना करा देंगे तो 441 और 441 चौका 1764, 2 शून्य था और 2 दूना 4 4 चौका 16, तो 16 पर 1 2 3 4 16 पर 4 शून्य चुपका देना है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए पहला क्वेश्चन में कि 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या इतना हो जाएगा। और 2 वर्ष पहले आपसे कस्बे की जनसंख्या पूछा था तो कितना था, 160,000, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए दूसरा करते हैं। तो आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य 7,29,000 रुपया है, यदि अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक हो तो पहला क्वेश्चन 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन कि 3 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य क्या था। वर्तमान मूल्य दिया है दोस्तों 7,29,000, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। वर्तमान मूल्य जो दिया है 7,29,000, ठीक है। अब कह रहा था 10% का अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब दोस्तों कमी होता है, तो 10% की कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90/100, ठीक है। और यहाँ पर कितना करा है, 3 वर्ष बाद, तो पावर में यहाँ पर जो दोस्तों 3 कर दीजिए। अब कैलकुलेट करिए, 729,000 गुने, इसको काट दीजिए 100 से 100, 9/10 गुने 9/10, ठीक है दोस्तों। अब ये 300 से ये कट जाएगा और फाइनली इसका 729 गुने 729 होगा। अब दोस्तों इसमें गुना करा देंगे, ठीक है, गुना कराने के बाद जो आएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा। तो मैंने पहले से गुना करा लिया है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 531,441, ये आपका आंसर हो जाएगा।
दूसरा का ये पहला हो गया, दूसरा का दूसरा देख लिया जाए। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा था कि 3 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य क्या था, 3 वर्ष पूर्व कहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व कहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 729000 और ये जो 9/10 है इसको हम क्या लिखेंगे, 10/9। पहले में दोस्तों पलट के गुना कराते हैं और पावर में जो है उसको रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 729000 × 10/9 × 10/9 × 10/9, तो ये 99, 81, 729 ये कट जाएगा और 1000 इधर हो जाएगा, 1000 × 1000। तो दोस्तों 1 पर कितना शून्य हो जाएगा, 6, 2, 2, 4, 5, 6, तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखा जाए। 3 नंबर कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या जो थी 9375 थी। 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिखते हैं, 2 वर्ष पूर्व जो संख्या थी 9375 थी। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 4% व्यक्ति गांव छोड़कर शहर चले जाने से अब जनसंख्या कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहा था कि प्रतिवर्ष 4% गांव छोड़कर चले जाते हैं तो अब जनसंख्या आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि संख्या जो है पी है, मान लीजिए कि संख्या क्या है, यहाँ पर पी है। ठीक है, समझिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 4% छोड़ कर चले जाते हैं, तो 4% अगर छोड़ के चले जाते हैं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 96/100। तो 96/100 के यानी कि 24 चौका और 25 चौका, यानी इतना बटा इतना हुआ। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये जो है अगर कहता कि 2 वर्ष बाद जो है जनसंख्या इतना रहता तो हम क्या करते, जनसंख्या जो था मैंने माना है पी, उसमें क्या कराते, 24/25 × 24/25 बराबर लिख देते हैं 93/75। ठीक है, 2 वर्ष बाद अगर यहाँ पर कहता है कि 2 वर्ष बाद यहाँ पर जो जनसंख्या है 9375 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, P × 24/25 × 24/25 बराबर हो जाता 9375। कब, जब 2 वर्ष बाद रहता तो। लेकिन यहाँ पर तो निश्चित राशि कितना दिया है, 9375 कब का, 2000 ये दिया है 2 वर्ष पूर्व का। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व का दिया है, तो दोस्तों इसके लिए आपको पता है, मैंने बताया था पहले, पूर्व मतलब क्या हो गया पहले, और पहले में क्या करेंगे, पलट के गुना करा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आइए कराया जाए, तो मान लीजिए कि जनसंख्या पी था और 2 वर्ष पूर्व कह रहा था, इसलिए इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 25/24 × 25/24। और हम लोग के अनुसार 2 वर्ष पूर्व इतना और निश्चित राशि में दिया है 2 वर्ष पूर्व 9375। अब ये दोनों 2 वर्ष पूर्व का ही, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, तो कैलकुलेट कर दिया जाएगा तो ये 625 ये 15 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये हो जाएगा P/576 बराबर हो जाएगा 15, इसलिए P बराबर 576 में दोस्तों 15 से गुना करा देंगे तो आ जाएगा 8640। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करा जाए। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसका प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। तो 10% की दर से अगर दोस्तों अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, तो 10% अवमूल्यन मतलब हो जाएगा 90/100। ठीक है, यहाँ पर ये करके रख लीजिए, 100 से 100 9/10 हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य जो है 87480 रुपये हो, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों 3 वर्ष बाद अभी वर्तमान में मान लीजिए कि इसका जो मूल्य है, मूल्य पी रुपया है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो यानी कि P × 9/10। ठीक है, ये वर्तमान से 3 वर्ष बाद हम लोग के अनुसार इतना, और प्रश्न के अनुसार दिया है कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है 87480। अब देखिए ये जो दिया था 3 वर्ष बाद का, और हम ये प्रेजेंट से हम 3 वर्ष बाद गए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर देंगे तो ये कट जाएगा 99, 81, 81, 9, 729 में ये 12 से कट जाएगा, और 100 था तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, ये पूरा कट गया।
अब क्या करेंगे, पी बटे में 1000 बराबर 120, इसलिए पी बराबर हो जाएगा 120 और एक 3 शून्य चिपका दीजिए, ये आपका दोस्तों फाइनली आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन जो है 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई। दोस्तों मान लीजिए कि 3 वर्ष पूर्व जब मशीन खरीदी गई होगी तो उसका मूल्य जो है ₹P होगा, मैंने लिखा। चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% का अवमूल्यन होता है। 10% अवमूल्यन का मतलब होता है 90/100। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा बात। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। यदि वर्तमान मूल्य जो है ₹8,748 हो, यदि इसका वर्तमान मूल्य ₹8,748 हो तो यह कितने मूल्य में खरीदी गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए इसको करा जाए। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य ₹8,748 हो तो यह कितने मूल्य में खरीदी गई थी। दोस्तों 3 वर्ष पूर्व में खरीदी गई थी, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व में खरीदी गई, तो आपको पता नहीं है कि उसका कॉस्ट क्या है। मैंने मान लिया कि 3 वर्ष पूर्व उसका कॉस्ट जो था ₹P था, और क्वेश्चन में कह रहा है 10% की अवमूल्यन, और 10% का अवमूल्यन का मतलब हो जाएगा दोस्तों 90/100। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका वर्तमान मूल्य जो है ₹8,748 है, ₹8,748 है। तो दोस्तों 3 वर्ष पूर्व ₹P था और यहाँ पर अवमूल्यन होना था 10% का, तो यानी कि हम लिखेंगे 9/10, 9/10, 9/10। तो 3 वर्ष पूर्व से हम जा रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया, और जो निश्चित राशि में दिया है दोस्तों 8,748, 8,748। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम काट देते हैं। दोस्तों ये 99, 81, 79, 729, ये 12 बार में कट जाएगा। पी बटे 1000 बराबर 12, इसलिए पी बराबर कितना हो जाएगा, ₹12,000। सॉरी, क्या पूछा था आपसे दोस्तों, पूछा था कि ये मूल्य कितने में खरीदी गई था, तो ₹12,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या था पी था, और 3 वर्ष पूर्व से हमको क्या करना है, वर्तमान में जाना है। तो वर्तमान में जाने के लिए दोस्तों हम सीधे गुना कराएंगे, 9/10, 9/10, 9/10। हम लोग के अनुसार वर्तमान इतना हो गया, और प्रश्न के अनुसार निश्चित राशि में वर्तमान में इतना दिया है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, आइए आगे करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। कह रहा है कि एक मशीन जो है ₹1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या है। दोस्तों मशीन का जो मूल्य है कितना है, 1,20,000। मशीन का जो मूल्य है वर्तमान में 1 लाख कितना है, 20,000 है, ये प्रेजेंट में दिया है यानी वर्तमान में, और वर्तमान से हमको जाना है 2 वर्ष बाद, और क्वेश्चन में कह रहा था कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, तो 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब हो जाएगा 90/100। ठीक है, और कितना टाइम दिया है दोस्तों, टाइम इसका दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 वर्ष, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, वर्तमान इतना दिया है, 2 वर्ष बाद पूछा है, तो ये पावर में 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, फाइनली जो आएगा आंसर होगा, तो 1,20,000 गुने, इसको काट दीजिए यहीं पे, 9/10, 9/10, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगर हम 81 में 12 से गुना करा देंगे दोस्तों, 81 में 12 से, तो 972 आएगा, और 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ पर मैंने कर दिया। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। दोस्तों वर्तमान में जनसंख्या जो था 1,20,000 था, और आपसे 2 वर्ष बाद पूछा है, और 10% का अवमूल्यन का बात बोला था, तो 10% का अवमूल्यन का 90/ कितना हो जाएगा, 100, और 2 वर्ष बाद पूछा है तो पावर 2 कर दीजिए, और फाइनली दोस्तों इसको कैलकुलेट कर दिए तो आ गया 972 00, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी 2 वर्ष बाद जो है जनसंख्या कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 972 00, 97,200। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा इसको मिटा देते हैं हम। चलिए आइए 7 नंबर देखा जाए।
सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी जनपद की जनसंख्या जो है 8500 है, इसमें से प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि, तो दो वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? कुछ नहीं दोस्तों, वर्तमान में दिया है 8500, वर्तमान में कितना दिया है, ठीक है, वर्तमान में दिया है कितना 8500, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दो वर्ष बाद जो है, दो वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो दो वर्ष बाद दोस्तों जनसंख्या आपसे क्या कर रहा है, पूछा है, तो 8500, ठीक है, और आपसे कह रहा पहला वर्ष जो है आपसे कह रहा था कि 20% वृद्धि और द्वितीय वर्ष 25% वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब दोस्तों 120/100 और 25% की वृद्धि का मतलब 125/100। दोस्तों इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, तो दोस्तों इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 200 से 200 ये कट जाएगा, ठीक है, ये 25 5 125 और 25 4 100 और ये कट जाएगा 30 4 120, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना होगा आपको, 85 × 150 इसमें गुना करा दीजिए, देखिए 15 5 75 5 6 7 15 8 20 से 120 7 जोड़ देंगे 127 और ये आपका कितना हो गया 12750 आंसर हो गया। ये क्या था, जनसंख्या, यानी दो वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आठ नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य जो है 81000 है वर्तमान मूल्य, तो दो वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। दोस्तों मैंने मान लिया कि दो वर्ष पूर्व जो है उसका मूल्य जो था दो वर्ष पूर्व पी रुपया था, समझिएगा बात को, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 10% कम हो जाता है, 10% कम का मतलब कि 90/100, 10% कम का मतलब क्या 90/100, इसको काट दीजिए 9/10 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81000 है, तो दो वर्ष पूर्व से वर्तमान में जाएंगे 9/10 और हम लोग के अनुसार वर्तमान मूल्य इतना, क्योंकि दो वर्ष पूर्व से जब हम वर्तमान में जाएंगे तो ये सीधे सीधे गुना कराएंगे दोस्तों, ठीक है, तो पी गुने 9/10 × 9/10 बराबर कितना दिया है आपका 81000, कितना दिया है दोस्तों 81000, तो ये 81 से 81 कट जाएगा, पी बट्टे में 100 बराबर हो जाएगा 1000, इसलिए पी बराबर कितना हो जाएगा 1,00,000, यानी 100,000 यानी कितना हो जाएगा 1,00,000। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए दो वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, तो दो वर्ष पहले जो है उसका मूल्य मैंने क्या माना था पी रुपया, तो पी का वैल्यू निकल के आ गया इतना, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। 2003 में दोस्तों बच्चों की जो संख्या है कितना था 2000 था, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगा, तो 2003 में कितना है 2000, और आपसे क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा था कि 10% बच्चों की वृद्धि होती है, तो 10% बच्चों की वृद्धि होती है, तो दोस्तों वर्तमान में यानी कि 2003 में 2000 था, तो 10% की वृद्धि यानी 110/100, ये कब तक जाएगा दोस्तों 2003 से 6 यानी कि 3 साल तक। तो दोस्तों यहाँ पर 2003 में जनसंख्या था 2000, ठीक है, और आपसे 2006 में पूछ रहा है, तो 2003 से 2006 यानी 3 वर्ष टाइम हो जाएगा दोस्तों, तो 2000 × 110/100 क्यों, क्योंकि 10% का वृद्धि कहा था, तो 110/100, अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, इसको हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2000 × 11/10 × 11/10 × 11/10, 300 से 1 कट जाएगा, 1131 में दोस्तों 2 से गुना करा देंगे, तो 2 3 × 6 और 13 × 26 यानी 2662 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। एक बार और क्वेश्चन कर पढ़ते हैं, किसी कस्बे की जनसंख्या पहले 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे 5% की कमी हुई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या मैंने मान लिया पी था,
और यहाँ पर कह रहा है कि एक बार जो है 5% की वृद्धि यानी 105 बटे में 100 और एक बार 5% की कमी यानी 95/100 तो हम लोग के अनुसार इतना हो गया। और प्रश्न के अनुसार निश्चित राशि दिया है, दो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या जो है 7980। दोस्तों काट दिया जाए, 21 5 20 5 19 5 20 5 इधर हो जाएगा दोस्तों, और गुना करा दिया जाए तो आइए कराया जाए, पी गुने 19 1 19 89 1 19 2 38 1 39 और बटे में कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना 79 80 और ये दोस्तों कट जाएगा दो बार में, ठीक है, ये दो बार में कट जाएगा 399 में 2 से 399 में ये 20 बार में कट जाएगा पूरा। तो दोस्तों पी बराबर हो जाएगा 400 × 8000, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आइए इसको देख लिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आता है। एक मकान का मूल्य कितना है 5 लाख है और 10% की कमी यानी 90/100। टाइम पता नहीं है, टाइम मैंने मान लिया एन। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्ष में इसका मूल्य इतना रुपया हो जाएगा, कितने वर्ष में इसका मूल्य जो है इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है, यानी 3,64,500 ठीक है दोस्तों। अगर ये गुना में है दोस्तों, यहाँ पर भाग हम कर देंगे तो 3,64,500 ये गुना में था दोस्तों 5 लाख, तो इसमें भागा में कर देंगे, ठीक है, बराबर हो जाएगा 90/100, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखा जाए, देखिए ये 209 से 209 कट जाएगा, ये 729 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1005। तो 729 दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/10³ बराबर हो जाएगा, ये काट दीजिए 9/10^n, ठीक है दोस्तों। जब बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा n बराबर 3 वर्ष, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीद कर उस पर 1,33,100 रुपये की लागत से मकान बनवाया, 1,33,100 रुपये की लागत से क्या करा, मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो दिया है भूखंड और मकान, भूखंड और मकान, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं भूखंड और ये हो जाएगा मकान। तो 72,900 था दोस्तों भूखंड और ये था 1,33,100, लेकिन इस पे कह रहा है दोस्तों कि 10% का आपसे वृद्धि कह रहा है, भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी, इसमें वृद्धि कह रहा है यानी कि 110/100। टाइम नहीं पता है, मैंने मान लिया इन, और इसका जो है 10% की कमी यानी कि 90/100, इसका भी टाइम नहीं पता है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों इसको कैलकुलेट करा जाए। तो दोस्तों 1,331,000 हम लिख दिए 729,000, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 110/100 गुने हो जाएगा 100/90 और पावर एन था तो पावर एन कर दीजिए, 200 से 200 कट जाएगा, फिर ये 100 से 100 कट जाएगा, फिर 100 से 100 कट जाएगा, तो 1,331/729 दोस्तों 1,331 को हम लिख सकते हैं 11/9 के क्यू बराबर 11/9^n। देख लीजिए बेस समान है दोस्तों, तो पावर क्या हो जाएगा n बराबर 3 वर्ष और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 करा जाए। कह रहा है कि गांव की जनसंख्या 20,000 थी तथा 2 वर्ष बाद बढ़कर इतना हो गई तो जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई। दोस्तों रेट पूछा है, आर बराबर a/p^(1/n-1)/100 इस पर कैलकुलेट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों दिया है 22,050, यहाँ पर लिखते हैं 22,050/20,000, ठीक है 20,000
और टाइम आपका दिया होगा जरूर, टाइम दिया है 2 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 -1 गुणे 100%। अभी 100 से 100 कट जाएगा और ये 441 पाँचे और ये होगा 405। दोस्तों 441 बटे में 400 को हम लिख सकते हैं 21/20^2 गुणे 1/2 -1 गुणे 100%। तो दोस्तों ये 2 से 2 कट गया, 21/20 यानी हो जाएगा 1/20 गुणे कितना 100, तो ये कट जाएगा दोस्तों, फाइनली 5% आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन करें, एक मशीन का 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने परसेंट की कमी आएगी। दोस्तों मान लीजिए कि मशीन के मूल्य में वर्तमान जो है 100 रुपया है और 3 वर्ष बाद कितने की कमी आएगी, तो दोस्तों हम कह सकते हैं 100 गुने और अवमूल्यन का बात बोला है दोस्तों कितना, तो 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। तो 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब 80/100 और 3 वर्ष बाद तक, तो 80/100 और 80/100। दोस्तों ये 100 से 100 कट गया और 100 से 100 ये कट गया, 8/8 = 64, 8/8 = 512 और 100 इतना था यानी इतना करा कितना की कमी आ जाएगी। तो दोस्तों 100 में से आप घटा दीजिए 51.20, 10 में से 2 = 8, फिर हो जाएगा 9 में से 1 = 8 और 9 में से 5 = 4, यानी इतना परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया जाए। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है तथा अनुमान लगाया गया कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर इतना करोड़ हो जाएगी, वृद्धि वार्षिक दर क्या है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, रेट पूछा है तो आर बराबर, मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था, आर बराबर a/p^(n-1)×100%। ठीक है दोस्तों, तो ए कितना दिया है आपका 13.31 करोड़ और पी दिया है आपका 10 करोड़। ठीक है, और दशमलव हटा देंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा, 1/n। एन टाइम जरूर दिया होगा दोस्तों, टाइम दिया 3 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 1/3 -1 × 100%। दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11/10^3 - 1/100%। तो ये 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/10 - 1, ठीक है दोस्तों, और गुणे 100। तो यहाँ पर 10 LCM ले लीजिए, तो 11 - 10 × 100, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1/10 × 1/10, और ये हो जाएगा आपका 100। तो कट जाएगा दोस्तों कितना बार में, 10 बार में, तो 10% ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप जो है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया उसके लिए भी कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया उसके लिए भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।